एक हफ्ता रह गया है तुम्हारी फ्लाइट को और तुमने अभी तक अपनी पैकिंग नहीं की। सुनो, वो जो पेपर्स तुमने कहे थे ना, फ़ोन आ गया इस्लामाबाद से, बन गए, तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली तुम तो जाओगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप जानते हो माम, मैं जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ दुआ के साथ। हाय अल्लाह, मेरा बेटा तो मेरे हाथों से निकल गया। और आई एम वेरी हैप्पी, ही इज़ इन सेफ हैंड्स नाउ। तुम्हें पता है कितनी फिक्रमंद थी मैं तुम्हारे लिए, लेकिन जब से दुआ से रिश्ता जुड़ा मेरी सारी फिक्रें हवा बन के हो गई। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, वैसे वो मैं ही सोच रहा था अगर मैं दुआ को अपने साथ अमेरिका ले जाऊँ, वो मान जाएगी? खुदा के लिए, खुदा के लिए बॉबी, अब ये मिस क्रिएट मत करना। फिलहाल ऐसी बात भी ना करना उससे। निकाह को देने कितने हुए हैं? उसका पहले एतमाद तो तुम पे कायम हो, उसे एतबार होना चाहिए तुम पे पहले। ओके मॉम। अच्छा, मैं सोच रहा था मैं उसको यहाँ ले आऊँ। yeah. उसे अपना घर नहीं देखा, उसको अपना घर तो देख लेना चाहिए। हाँ ले आना, लेकिन जिस दिन मैं घर पे हूँ मुझे नहीं लगता मेरी गैर मौजूदगी में दुआ तुम्हारे साथ यहाँ आने पे राजी हो। अच्छा, मुझे एक तो बहुत ज़रूरी काम है, फ्लाइट से पहले मैं निकल रही हूँ। हाँ भाई, फ़ोन तो अंदर ही है। तुम अपनी पैकिंग कर लेना। ओके, बाय। Take care. Safe flight. Be good. तो मॉम कह रही हैं कि उसको मुझ पर भरोसा होना चाहिए, मैं भी तो यही चाह रहा हूँ।